जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की क्लास में आज हमें देखना है सेल्स प्रोसेस के। इंटरेस्टेड तो हो चुका था, अब स्टार्ट करेंगे हम इंटरेस्टेड। क्या स्टार्ट करेंगे? इंटरेस्टेड सप्लाई। मैंने ये बात कई बार कही हुई है कि जब भी बात कहा जाएगा आउटवर्ड सप्लाई का, मतलब कि सेल्स की बात की जाए, जब भी बात कहा जाएगा इनवर्ड सप्लाई का, इसका मतलब परचेज की बात। अरे भाई बताएं आप लोगों, परचेज मतलब इनवर्ड सप्लाई, सेल्स मतलब, ठीक है। तो आउटवर्ड सप्लाई इंटर स्टेट वाला पढ़ेंगे। इंटर स्टेट का मतलब जब आउट ऑफ स्टेट होगा, हमारे स्टेट से परे कोई भी। तो एक क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। बी टू बी का ही है। तो सबसे पहले वाउचर में आ जाइए और या फिर से सेल्स वाउचर। और कौन सा क्वेश्चन है? बी टू बी और कैसा, लोकल की इंटर स्टेट। चलिए रेफरेंस नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का रेफरेंस नंबर 002 है। क्या है? 002 है, तो आप कर लीजिए 00। पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है सत्यम कंप्यूटर, गोपालगंज बिहार का है। सत्यम कंप्यूटर बनाए ही होंगे, अब नहीं बनाए हैं तो अल्ट सी करके बना लीजिए, सत्यम कंप्यूटर और यहां ले लेंगे बिहार, बिहार। और यहाँ नेक्स्ट एड्रेस में जा सकते हैं आप लोग, गोपालगंज। क्या डाल सकते हैं? ठीक है, जीएसटी नंबर डाल दीजिएगा आप लोग, दिया होगा क्वेश्चन में। कैपिटल कैपिटल अकाउंट लिए हैं क्या? अकाउंट नहीं, कैपिटल नहीं होगा। अरे हमारा सप्लाई क्या है, कस्टमर है ना, सन्ड्री डेप्टर हो। और जीएसटी नंबर क्या होगा इसका? दिया होगा जीएसटी नंबर, क्या है। दिया है? 10A दिया है। एक ठीक सेकंड, 01 होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। 09 नहीं होता है, वो बिहार का 01 से क्या होता है, 01 से। हेलो, हाँ ठीक क्लास ले रहा होता हूँ। हाँ क्या क्लास में चौथे वाले भाई सही, खाली झगड़े में रहते हैं। क्या ठीक ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से। तो 01 होता है हर स्टेट, मैंने बताया था ना जीएसटी लागू किया गया, तो जीएसटी ने मतलब गवर्नमेंट ने सोचा कि बहुत सारे स्टेट है भारत में, तो हर स्टेट का एक क्या कर दिया, एक कोड दे दिया। जैसे उत्तर प्रदेश का 09, बिहार का 01, दिल्ली का 07, महाराष्ट्र का 27, तो ऐसे सबका कोड है। तो बिहार का इसलिए क्या लगेगा 01 करके, ठीक है। अब वो क्या उल्टा है, कोई बात नहीं है, हम एक्सेप्ट करते। अच्छा उसके बाद से लोग इंटर स्टेट तो पहले ही हो गया, आइटम का नाम क्या है? तो आइटम का नाम को देख लीजिए, आइटम का नाम क्या है, नीचे लिखा हुआ है क्या? बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, ये डब्ल्यू डी वाला है क्या है, देख लो एक सेकंड। एमएस ऑफिस है, नहीं है ना एमएस ऑफिस, तो ले लीजिए एमएस ऑफिस, आप लोग बताइएगा, मैं भरता जा रहा हूँ एमएस ऑफिस। ठीक है, कितना टू क्वांटिटी, अमाउंट कितना है? अरे अमाउंट कितना है, 62 62 62
अजीब बोली रे, 65 बोल गई। क्या बोल रही हो? हाँ 65 नहीं बोला जाता है, 62 बोला जाता है। 65 कहाँ होता है? 62 बोल। एमडीआर सोनी एमडीआर कितना पीस है? 7। रेट कितना है? 12 बच्चे। नेक्स्ट बताइए। टैली, टैली है ना? हाँ कितना है? 3 पीस। रेट ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। एसर C120 प्रोजेक्टर है, कितना है? 3 पीस। रेट 500। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। एसएस एसएस G41 है, कितना पीस है? 5 पीस। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट SS A61 कितना पीस है? 5 पीस। रेट का हो गया, देखिएगा 38529 आया है, 38529 मैच कराइए। तो देखिए 38529 मैच कर गया, ये रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ऐसे करने कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए। अगला क्या है? B2B में है और इंटरेस्ट रेट ये AB। चलिए लेकिन इसमें देखिए क्या है, सुनिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, एडिशनल दिया गया है। नोबल मम्मी ने बोला है, सुनिए ध्यान से। B2B है, अगला ट्रांजेक्शन B2B है, B2B में करेंगे। अच्छा ये पार्टी कहाँ का है? SP लॉजिक वर्ल्ड गोरखपुर का है। चलो लोकल होगा, ये भी क्लियर होगा, लेकिन लोकल लेंगे नहीं सर, लोकल पूछिए क्यों? जैसे ही सेल्स लोकल लेंगे अपने आप सीएससी एसपी आउट ऑफ लक पे आ जाएगा। और याद करिए, हमको ये लगाना है क्या? डिस्काउंट अलाउ 5%, एडिशनल फ्रेट चार्ज 5-2%, पैकिंग चार्ज याद है, जिससे परचेज लगाते थे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको तो एक्सेप्ट कर लीजिए आप लोग, इसको तो एक्सेप्ट कर लीजिए नो। उसके बाद क्या करेंगे, F8 दबाएंगे और सेल्स बी टू बी लेंगे। देखिए सो ना लोकल लेंगे ना इंटरेस्ट रेट, क्या ले लेंगे? नॉट अप्लीकेबल। क्या ले लेंगे? नॉट अप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि हम लोग, हमें अलग से लगाना है इसमें क्या चार्ज वगैरह आएगा, कैसे करेंगे चलिए देखते। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। इनवाइस नंबर क्या दिया है? 003 और पार्टी का नाम है HP लॉजिक वर्ल्ड, यानी कि ये है उत्तर प्रदेश की कंपनी। देखिए सामने देखिए उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। तो अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेल्स लोकल की इंटरेस्ट। अच्छा आइटम का नाम क्या है? तो बहुत सारे आइटम है, बताइए एक एक करिए आप लोग। WD पार्टी ठीक है, WD कितना क्वांटिटी? 5 पीस। रेट 3500। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। टू स्कैंडिक्स, थाउजेंड स्कैंडिक्स है, स्कैंडिक्स एंड कितना पीस है? हाँ राइट 20। रेट थ्री थ्री 3500। नेक्स्ट टू हाँ रैम रैम, हाँ कितना है? रेट नेगेटिव 560। नेक्स्ट नेगेटिव निबल, हाँ कितना पीस है? रेट बता दीजिए, नेगेटिव 12,300। ठीक है, नेक्स्ट हाँ लॉजिटेक, ठीक है कितना है? रेट बता दीजिए। इसके बाद भी है बताइए, लेनो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड है, कितना पीस है? रेट बता दीजिए, 1200। ठीक, और बताइए Geo 5, हाँ कितना पीस? पांच रेट बता दीजिए। हाँ एक ठीक है, हो गया। अब याद है ना मैंने बताया था कि टोटल अमाउंट में जाकर CGST लगाते हैं या GST जो भी होगा लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम जितना भी डिस्काउंट अलाउ या रिसीव होता है, जो भी चार्ज होता है पहले वो लगाते हैं, याद आ रहा है? तो यहाँ सेल्स कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव होगा कि डिस्काउंट अलाउ होगा? अलाउ होगा, सेल्स कर रहे हैं तो यहाँ ऑल्ट सी करके बनाएंगे, या पहले से बनाएंगे हुए किस नाम से? डिस्काउंट अलाउ नाम से बनाए हैं। एक बार आप लोग मॉडिफाई करके चेक कर लीजिएगा इस पे भी, कंट्रोल इंटर दबा के, कि यहाँ पे क्या करना है, इस पे अप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्या रहेगा? नॉट अप्लीकेबल। यहाँ क्या रहेगा? GST। यहाँ क्या रहेगा? गुड्स। और यहाँ क्या रहेगा? बेस्ड ऑन वैल्यू। आप लोगों को भी ऐसा करना है। अच्छा परसेंट पे दिया है तो -5%, 5% है ना,
आप देख सकते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, 5% का डिस्काउंट, तो माइनस लगा के लिखते हैं ना, क्योंकि नेचर घटाता है, डिस्काउंट हो गया। के बाद दिया है पैकिंग चार्ज कि फ्रेट चार्ज, फ्रेट चार्ज है तो ऑल्ट सी करके बनाइए, देखिए सामने एफ आर आई ई जी एस टी फ्रेट चार्ज। अच्छा फ्रेट चार्ज एक्सपेंसिव तो है, कोई भी चार्ज एक्सपेंसिव तो होगा। अच्छा चार्ज पे कोई जीएसटी अप्लीकेबल रहता है? नॉट अप्लीकेबल। यहाँ क्या लेंगे जीएसटी, यहाँ क्या लेंगे गुड्स, यहाँ क्या लेंगे बेस चार्ज वैल्यू और डाल देंगे। इसमें तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चार्ज जुड़ता है, कितना परसेंट, 2% है, 2%। उसके बाद पैकिंग चार्ज है कितना परसेंट, 1%। बस अब क्या लगा देंगे सीजीएसटी आईजीएसटी का लगा देंगे। देखो मैच कर गया क्या, 91.78 मैच कर गया, मैच कर गया, देखो तो मैच कराइए, बस यही करना है, 91.78 मैच कर गया, कर लेंगे। अब फिर से आप लोग स्टॉक क्वेरी कर लीजिए, स्टॉक क्वेरी कर लीजिए, स्टॉक क्वेरी से पता चल जाएगा क्या हम खरीदे क्या बेचे, ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए आप लोग, अब क्या करना है, तो यहीं पे क्या कर सकते हैं आप अल्ट एस दबा के क्या कर लेंगे, अल्ट एस दबा के स्टॉक की क्वेरी कर सकते हैं। देखिए तो बता रहा है जिस आइटम के लिए करेंगे, जिस आइटम पे करेंगे उसका बता देगा। देखिए आइटम को क्या कर रहा है, जो आइटम आपने लिया है, जिस पार्टी का लिया है, जो भी करेंगे तुरंत बताया जाएगा। देखिए देख रहे हैं ना, जिस आइटम पे भी करेंगे आप उसका बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए डब्ल्यू डी का हो गया, इसपे मैंने क्या कर लिया अल्ट एस दबा, बता रहे कि नहीं बता रहे, स्टॉक क्वेरी कर रहा है, ठीक है। परचेस किया गया था और क्या कर दिया गया है, सेल कर दिया गया है, इसको एसपी लॉजिक वर्ड देख रहे हैं ना, 10 पीस। देखिए रेट हम लोग अंतर नहीं किए, रेट अंतर करना चाहिए था, लेकिन अब इसमें नहीं किया गया, इसमें नहीं किया, 10 पीस कर देते, 3200 ग्रेड से बेच भी कितना रहा है, देख रहे हैं ना, कीबोर्ड का देख लिया जाए, RTS देखिए यहाँ पे 1050 के रेट से खरीदे थे, अब कितने रेट से बेच रहे थे, कहाँ गया Lenovo और वायरलेस कीबोर्ड, Lenovo LTD का दिखा रहा है, क्या क्या है आइटम बेचे हैं उसको,
वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड है 11 पीस और G50 साइज डेस्कटॉप है और लेनोवो K6 है। देखिए ऐसे ही आप स्टॉक क्वेरी कर सकते हैं। यही बात यहाँ कही गई है कि गुड्स को अगर सेल करते समय उसका परचेज प्राइस जानना चाहें तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, RTS प्रेस करके जान लेंगे, हम जान जाएंगे इसको कितना में खरीदे थे और कितने में और किसमें किसमें बेच रहे हैं, क्या कारण है था ना, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए, सेल कर लीजिए, तो नो करिए, नो कर लिए। अब क्या करिए, यहीं पे एक बार पेजअप दबा के क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए और जिसको भी चेक करना है आप उसको क्लिक करिए और क्या करिए RTS से स्टॉक क्वेरी कर लीजिए, तो बताएगा आपको क्या 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 परचेज कितने किए थे, दिखा रहा ना कितने में परचेज किए थे आप, 10,050 के रेट से खरीदे थे आईवार टेक्नोलॉजी से और कितने में बेच रहे हैं, टीवी का रेट कितना लगाया है, खरीदे कितना थे 10,500, 1,000 लिखा है, 10,500 के रेट से खरीदे थे 12,300 के रेट से बेच रहे हैं। एक्सेप्ट करने के बाद चेक करिएगा क्योंकि अब सेल्स किए नहीं, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो सेल्स कंप्लीट नहीं होगा, फिर दिखाएगा नहीं। तो ऐसे आप स्टॉक क्वेरी भी कर सकते हैं, कहाँ कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे किसी भी आइटम को सिलेक्ट करिए और RTS दबा दीजिए और उसका स्टॉक क्वेरी कर लीजिए कितने में खरीदे और कितने में बेचे, सर देखिए ठीक है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत, कर लेंगे कर लेंगे, हो जाएगा और बता दे आगे, हाँ बता दें कि क्या करें, बताइए आप लोग, ठीक है थैंक यू, ठीक है थैंक यू।